इस वीडियो में हम बेल्ट रोलर सपोर्ट की 3D मॉडल क्रू पैरामेट्रिक 7.0 में बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट डिज़ाइन, यानी हमारे पास जो बेल्ट रोलर सपोर्ट है इसके जो पार्ट्स हैं वो किस तरह डिज़ाइन करेंगे क्रू 7.0 में। इसके बाद हम सीखेंगे इसके जो पार्ट हम डिज़ाइन कर लेते हैं, इसके पार्ट हम तैयार कर लेते हैं, इसके बाद हम उन पार्ट को असेंबल कैसे करेंगे। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कंप्लीट असेंबली है, इसके पार्ट्स से मुख्तलिफ यहाँ पर आ सकते हैं, बेस है, बोल्ट है, ब्रैकेट है, बुश है, रोलर है, शॉफ्ट है। इन पार्ट्स को जब हम रेडी कर लेते हैं फिर इसके बाद हम इसको असेंबल कैसे करेंगे क्रू पैरामेट्रिक 7.0 में। सो इस वीडियो में हम असेंबली भी सीखेंगे। असेंबली बनाने के बाद हम सीखेंगे BOM। BOM स्टैंड फॉर बिल ऑफ मटेरियल। ये पर आप देख सकते हैं आइटम नंबर है, नोमेनक्लेचर है, टाइप, क्वांटिटी और इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इस प्रोपारवे में शामिल है। और यहाँ पर इस मॉडल में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बैलून जो है वो लगाए हुए हैं 1, 2, 3, यानी इस टेबल के मुताबिक इस पार्ट को जो है मेंशन किया हुआ है। एक नंबर पर हमारे पास लगा हुआ है बेस, दूसरे नंबर पर हमारे पास लगा हुआ है बोल्ट और इस तरह तीसरे नंबर पर ब्रैकेट, बुश, रोलर शाफ्ट और इस तरह एक सीरीज जो है इस एक सीरीज में इसके पार्ट जो है वो मेंशन किए हुए। BOM के बाद हम सीखेंगे 2D ड्राइंग, यानी हमारे पास है जो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स है बेस, बोल्ट, ब्रैकेट, इसके जो डिटेल ड्राइंग है फॉर मशीनिंग पर्पस या और शार्पनेस को अगर रेडी करना है तो इसकी जो है हम डिटेल 2D ड्राइंग जो है इस वीडियो के अंदर में हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो ये मॉडल जो है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रू पैरामेट्रिक 7.0 और यहाँ पर ये मॉडल आप देख सकते हैं और लेफ्ट साइड पर इसकी असेंबली जो है वो आप देख सकते हैं। इसके मुख्तलिफ पार्ट जो है वो लगे हुए, बेस है, ब्रैकेट वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है जो बनाना है हमने वो बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको बेस जो है बनाना सीखते हैं।